यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई। इसमें महिलाएं और बच्चे फंस गए, भीड़ ने उन्हें कुचल दिया। अब तक करीब 122 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये भोले बाबा कौन है जिसके दर्शन के लिए लाखों लोगों की भीड़ पहुंच गई। भोले बाबा का असली नाम सूरज पाल उर्फ नारायण हरि है और वो एटा के रहने वाले हैं। खुद की आर्मी बना रखी है। इतना ही नहीं, बाबा पर यौन शोषण समेत 5 मामले भी दर्ज है। उनका कनेक्शन सियासत से भी है। कुछ मौकों पर यूपी के कई बड़े नेताओं को उनके साथ मंच पर देखा गया। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। सूरजपाल बचपन में पिता के साथ खेती किसानी करते थे। बड़े होकर वो पुलिस में चले गए। उनकी पोस्टिंग यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में रही। भोले बाबा अपने समागम में दावा करते हैं 18 साल की नौकरी के बाद उन्होंने 90 के दशक में VRS ले लिया। हालांकि कुछ मीडिया खबरों के मुताबिक उन्होंने कोई VRS नहीं लिया, बल्कि यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान यौन शोषण का मुकदमा लिखे जाने के बाद उन्हें पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपना नाम और पहचान बदल लिया और बाबा बन गए। उनकी पत्नी भी समागम में साथ रहती है। वो किसी अन्य बाबा की तरह भगवा पोशाक नहीं पहनते बल्कि सूट बूट में रहते हैं। कई बार कुर्ता पैजामा और सिर पर सफेद टोपी भी लगाकर सत्संग करने पहुंचते हैं। सूरज पाल उर्फ नारायण हरि खुद को भोले बाबा ही कहते हैं। अक्सर अपने समागम में वो कहते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि सरकारी नौकरी से अध्यात्म की ओर खींचकर कौन लाया। नौकरी से VRS लेने के बाद भगवान से साक्षात्कार हुआ। भगवान की प्रेरणा से पता चला ये शरीर उसी परमात्मा का अंश है। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण में लगाने का फैसला कर लिया। जानकारी के मुताबिक इस समय उनके कई IAS IPS अफसर चेले भी हैं। अक्सर उनके समागम में राजनेता और अफसर भी पहुंचते रहते हैं। शादियां भी कराई जाती है। भोले बाबा खुद जाटव है। उनके अनुयायी UP, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। SC ST और OBC वर्ग में उनकी गहरी पैठ है। मुस्लिम भी उनके अनुयायी है। उनका YouTube चैनल और Facebook पर पेज भी है। भोले बाबा की खुद की आर्मी है जिन्हें सेवादार कहा जाता है। हर मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम की पूरी कमान यही सेवादार संभालते हैं। सेवादार देश में आने वाले श्रद्धालुओं के पानी, भोजन से लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था करते हैं। इतना ही नहीं, बाबा को लेकर एक और विवाद बड़ा लोकप्रिय है। अगर कोरोना काल आपको याद हो तो उस वक्त भी बाबा का दरबार लगाने वाले ऑर्गेनाइजर ने नियमों की धज्जियां उड़ाई थी। घटना मई 2022 की है। उस समय फर्रुखाबाद में भोले बाबा ने सत्संग का आयोजन किया था। जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 50,000 से ज्यादा लोग सत्संग में शामिल हुए थे। इस बार भी कुछ ऐसी ही अपडेट सामने आ रही है। ऑर्गेनाइजर के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया गया है और FIR के मुताबिक उस जगह 80,000 लोगों की सिर्फ इजाजत थी, लेकिन 2.5 लाख लोगों को बुलाया गया। इतना ही नहीं, FIR में कहा गया कि घटना के बाद जहां प्रशासन और यूपी पुलिस अपनी जी जान लगा रही थी कि किसी तरह घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए, लाशों को ढूंढा जाए, ऑर्गेनाइजर ने किसी तरह की मदद नहीं की। अब ऑर्गेनाइजर के खिलाफ नए क्रिमिनल कानून BNS के तहत धाराएं लगाई गई है। बता दें, भोले बाबा पर जमीन कब्जाने के भी कई आरोप है। कानपुर के विधुन थाना क्षेत्र के करसुई गांव में साकार विश्वहरी ग्रुप पर 5 से 7 बीघे जमीन पर अवैध कब्जा का आरोप लगा था। बहरहाल, इस घटना के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है, लेकिन कई पीड़ित परिवारों ने अस्पतालों की नाकामी और प्रशासन की लापरवाही की शिकायत की है। सवाल उठ रहे हैं कि बाबा का दरबार लगा, लाखों की भीड़ आई, जहां बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी, गर्मी से लोग परेशान थे, और प्रशासन को इसकी खबर कैसे नहीं लगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।